हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सोया वेज की बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे झटपट से हम 10 मिनट में बनाकर रेडी करेंगे, प्रेशर कुकर में बनाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें हम लगभग 250 ग्राम यहाँ पर एक कप सोया चंक्स ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के ये सोया चंक्स है, बिरयानी में छोटे साइज़ के ही सोया चंक्स अच्छे लगते हैं। तो आप हो सके तो छोटे वाले ही सोया चंक्स ले लें, अगर नहीं है तो आप बड़े वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉल में डाल दिया है सोया चंक्स को और इसमें गर्म पानी हम इसमें ऐड करेंगे और एक चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से डिप कर देंगे ताकि अच्छे से पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और इसे 5 से 10 मिनट के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। एक बॉल ले लेंगे हम और इसमें आधा कप दही ऐड करेंगे। ज़्यादा खट्टी दही ना लें, अगर ज़्यादा खट्टी दही है तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लें इसमें। उसके बाद यहाँ पे आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। उसके बाद एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है। एक छोटी चम्मच यहाँ पर हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो नॉर्मल मिर्च भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, यहाँ पे हम बिरयानी मसाला 1.5 छोटी चम्मच इसमें ऐड करेंगे। बिरयानी है तो बिरयानी का फ्लेवर तो हमें देना है, तो यहाँ पे 1.5 छोटी चम्मच बिरयानी मसाला ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी को ऐड किया है। कसूरी मेथी के बाद मैंने 1 छोटी चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। ज़्यादा यूज़ ना करें लहसुन अदरक का। और साथ ही जो है हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा और पुदीना पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पे 2 हरी मिर्च को हम स्लिट करके इस तरह से डाल देंगे और इसे साइड में रख देंगे हम। उसके बाद देखिए हमारा जो 5 से 7 मिनट हो चुका था सोया चंक्स को सोक करके, तो उसे हम ड्रेन कर लेंगे इस तरह से। कोई आपको छलनी है आपके पास और इसे 2 से 3 बार अच्छे साफ पानी से धो लें और इस तरह से इसे जो है बहुत अच्छे से इसे निचोड़ लेना है हमें। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि जो है इसमें मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छे से चला जाए। पानी अगर रहेंगे तो फिर इसमें मसाले का फ्लेवर अच्छे से नहीं जा पाएंगे। तो सारे सोया चंक्स को इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे, जो भी वेजिटेबल्स हो आपके पास। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गाजर लिया है और 2 आलू लिया है। अगर आपके पास शिमला मिर्च हो, हरी मटर हो, बीन्स हो, कोई भी सब्ज़ी हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करके साइड में रख देंगे और एक कुकर ले लेंगे और 2 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे तेल, या फिर आप घी भी ले सकते हैं इसमें। उसके बाद कुछ खड़े गरम मसाले हम ले लेंगे, जैसे ज़ीरा है, तेज़पत्ता है और इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे हम और इसे ऐड कर देंगे। इसे क्रैकल होने तक इसे पका लेंगे और जब ये क्रैकल हो जाएंगे फिर इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ऐड कर देंगे। इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में कट करके, बिरयानी में लंबे स्लाइसेस किए हुए प्याज ही अच्छे लगते हैं, तो बारीक चॉप नहीं करें इसे। इसे अच्छे से मिला देंगे और इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो ज़्यादा बिल्कुल भी मसाला नहीं लेंगे क्योंकि मैरिनेशन के टाइम में सारा मसाला हम यूज़ कर चुके हैं। तो इस उसके बाद इस तरह से हमारा प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। याद रखिएगा कि पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने मैरिनेशन के टाइम में भी ऐड किया था। उसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए जब तक। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हम इस तरह से कट करके डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे टमाटर को। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है क्योंकि हम इसमें प्रेशर कुक करेंगे, तो इसीलिए 1 से 2 मिनट ही भुने। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि मैरिनेशन में हमारा सारा नमक है, तो आप नमक को उस हिसाब से डालें। सिर्फ हमें चावल में जितनी थोड़ी सी ज़रूरत है, टमाटर और चावल में उतना ही हम बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे। आधा चम्मच से भी कम लिया है मैंने नमक। उसे मिला देंगे अच्छे से। तो 1 से 2 मिनट हो गया था हमारा। तो अब जो है यहाँ पर मैरिनेट की हुई सारे सोया चंक्स और वेजिटेबल्स को इसमें ऐड कर देंगे हम। और इसी के साथ जो है, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे जो है मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे मैंने सारे सोया चंक्स को इसमें ऐड कर दिया है और इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम में। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि गर्म पानी से हमने सोक किया था इसका कड़वापन निकालने के लिए। तो 2 मिनट ही हम इसे पकाएंगे क्योंकि अभी हम इसमें प्रेशर कुक से इसे पकाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अगर अभी हम इसे ज़्यादा कुक कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गले हुए अजीब से हो जाएंगे, तो इसी के लिए आप इसे 2 मिनट ही भून लें। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल लिया था, इसे सोक कर दिया था मैंने आधा घंटे के लिए। तो आधा घंटा सोक करने के बाद यहाँ पे मैं चावल को ऊपर से डाल दूँगी, लेयर बना दूँगी चावल की। तो ध्यान रखें कि चावल को इससे ज़्यादा सोक बिल्कुल भी ना करें, लगभग आधा घंटा ही इसे सोक कर लें, नहीं तो चावल टूट जाएंगे सारे आपके। और उसके बाद यहाँ पे हम बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। अगर आप बिरयानी मसाला नहीं लेना चाहते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप गरम मसाला भी ले सकते हैं, गरम मसाला का पाउडर ऐड कर दें थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे फूड कलर हम डाल देंगे। फूड कलर से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा बिरयानी का। और अगर आप फूड कलर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर दें, पूरी तरीके से ये ऑप्शनल है। तो दूध में मैंने घोल करके फूड कलर डाला। उसके बाद यहाँ पे हरा धनिया और पुदीना डाल दिया मैंने। उसके बाद फ्राई की हुई अनियन थोड़ा सा डाल देंगे और जो मैंने मैरिनेशन का बॉल था उसमें थोड़ा सा पानी लेकर सारे मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डालेंगे यहाँ, क्योंकि चावल को हमने सोख करके रखा था तो जिस कप से मैंने चावल नापा था 1.5 कप, वही कप से मैं यहाँ पे 2 कप पानी ले रही हूँ। और इसका ढक्कन हम लगा देंगे अच्छे से और इसे 1 सीटी हम मीडियम फ्लेम में लगाएंगे और 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में रख देंगे। उसके बाद 2 मिनट के बाद इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका पूरा प्रेशर निकलने तक इंतज़ार करेंगे हम। और देखिए पूरा प्रेशर निकलने के बाद मैंने इसका ढक्कन को हटाया है तो चावल देख सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं हमारे बिल्कुल। और इसे जो है आप गर्मा गर्म बिल्कुल सर्व ना करें, थोड़ी सी ठंडी होने दें उसके बाद ही इसमें कलछी चलाएं, नहीं तो ये सारे चावल टूट जाएंगे क्योंकि कुकर में बनाया है हमने। तो 5 से 10 मिनट इसे ठंडा होने दें उसके बाद ही इसे सर्व करें। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।